इस लाट के क्या डिमांड कर रहा है, आप भेड़ों के हमाने भी चेक कर लें। ये तो भाई से पूछेंगे कि गब्बा ने क्या सूरत हाल है, ये इंशाल्लाह सारी मालूम आपको खुद भाइयों से पूछ के इंशाल्लाह आपको बताएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ कुछ नहीं आपको कह सकता। और भाई से रह लेते हैं और इनकी क्या डिमांड करता है और भेड़ें कितनी हैं, बच्चा भी नज़र आ रहा है, एक बात इंशाल्लाह पूछ के बताते हैं। कितनी भेड़ें हैं यार? 10 भेड़ें हैं, एक बच्चे वाली है। अच्छा, और के नीचे बच्चा जो है ना फीमेल है, मेल है, नर है मादी है? नर। क्या डिमांड कर रहे हैं इन भेड़ों की, सारों की? देने कितने के? मांगने को छोड़ दा, कहें यूसुफ भैया पहला रह जाए, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं भैया। देखें आपके सामने लाट है ना, ये लाट के हिसाब से रेट मुनासिब हो जाता है। जो मेरा दोस्त मेरा भाई आएगा उसके लिए मजीद कमी पेशी करेंगे। हाँ, 2000 और भी छोड़ देंगे, 28,000 के हिसाब से। खास मेहमान, खास मेरा मेहमान होगा। साफ बात है, जो इतना दूर से आते हैं मेरे सब खास और मेहमान मेरे दोस्त और मेरे भाई है। ये गब्बा ने फंडर हैं, कितने टाइम की बाकायदा? ये हमारा देख रहे हैं, ये तैयार है। डिमांड है देने कितने के? हाँ जी, 21,000 के हिसाब से डिमांड, खुद चेक कर लें मेरे भाई। ये 3 भेड़े मिलने के 21,000 के हिसाब से आपके सामने हैं। अगर आप दोस्त लेना चाहते हैं ना, ये आप ओरिजिनल रेट चेक करें, ये आपको ओरिजिनल रेट आपको मिल चुके हैं। उससे हट के बकायदा भी मैंने आपको और भेड़े भी आपको दिखानी है। अच्छा मेरे भाई, मैंने पूरी मंडी का मेरे भाई मैंने आपको विजिट आपको आसानी से आपको कराना है। वीडियो मुकम्मल देखते रहें, इंशाल्लाह इस वीडियो में ना आपको पूरी डिटेल आपको मालूम आपको तफसील से एक एक बात आपको समझाऊंगा, ताकि मेरे दोस्तों को मेरे भाइयों को सही तरह से एक मंडी की रूटीन का पता चल सके, मंडी के हालात का पता चले, मंडी आपको कैसे लगती है, मंडी आपको महंगी लग रही है या सस्ती लग रही है। देखिए मैंने आपको पहले बताया, मंडी में मेरा एक जानवर भी नहीं है, लेना देना नसीब मुकद्दर की बात होती है। मैं सिर्फ आपको यहाँ से रेट आपको कंफर्म करने लगा हूँ। मेरे भी नंबर मेरे मौजूद है, आप इन नंबर पर कॉल रब्ता करें, यूसुफ भाई के पास है, यहीं सर तुम्हारी सोच से तुम्हें ज़्यादा इज्जत और मिलेगी। अच्छा मेरे दोस्त, मैं ना सिर्फ आपको मंडी की वीडियो मैं आपको बना के आपको दिखा रहा हूँ, और आपको वीडियो में पहले मैं आपको शुरू में मैं आपको बता देता हूँ, मेरे भी जो मंडी में मैं आपको जानवर आपको दिखा रहा हूँ ना, आपको बैक कैमरे से भी आपको दिखाऊंगा, मंडी में मेरा एक जानवर भी नहीं है। मैं बात करूं मेरे भी आपको क्लियर, मैं आपको कहूंगा हाँ यार ये 2 जानवर मेरे हैं, 10 मेरे हैं, 15 मेरे हैं, ये सारे मेरे जानवर हैं, एक जानवर भी मेरा नहीं है। यहाँ पे मेरे भाई और भाई लोग लेके आए हैं, उनके जानवर हैं, उनके मैंने आपको जानवर दिखाने हैं। किसी के 2 हैं, किसी के 1 है, किसी के 5 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 15 हैं, ऐसे ही होता है। क्योंकि यहाँ पे गाँव के लोग भी लेके आते हैं, व्यापारी लोग भी लेके आते हैं, मुख्तलिफ लोग लेके आते हैं, उनके जानवर मैं आपको ना मंडी से आपको जानवर आपको दिखा रहा हूँ। आप वीडियो चेक करें, वीडियो क्लियर देखें, इनमें आप रेट क्लियर करें, रेट आपको क्या मिलता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरों के जानवर मालिक खुद बन जाते हैं। बाकायदा मेरे भाई ऐसे लोगों से आपने होशियार रहना होगा। अगर मैं भी आपको उसी तरह के आपको दिखाऊँ ना, जानवर किसी और का हो, रेट मैं अपनी तरफ बता दूं, कभी भी आपको मंडी के रूटीन का पता नहीं चलेगा, मंडी आपको सस्ती लग रही है या महंगी लग रही है। अगर मैं आपको अपने मुंह से रेट इनका सस्ता रेट बता दूं, भेड़े महंगी हो, आप आ जाएंगे फिर वो रनिंग मिलेंगे, फिर ये गलत बात है मेरे भाई। देखें अगले आदमी से रेट पूछूँगा, फिर आपको मंडी का कंफर्म होगा। अरे मंडी तेज़ है, स्लो है, जो रूटीन होगी ना आपको एक बात का आपको उस चीज़ की समझ आ जाएगी। भेड़े माशाल्लाह बच्चों वाली भी भेड़े आई हुई हैं, प्रेगनेंट भी भेड़े हैं, माशाल्लाह अच्छी ज़्यादा नस्ली भेड़े आज आई हुई हैं, भेड़े भी बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। आज सारी बात आपको बैक कैमरे से आपको बताता हूँ, मेरे भी भेड़े आपको दिखाता हूँ, वीडियो मुकम्मल देखते ना, आज भेड़ को क्या रेट जा रहे हैं, पहले से मंडी सस्ती है या स्लो है, जो भी सूरत हाल है ना, आज आपको इस वीडियो में आपको सारी तफसील आपको बताएंगे। आप अगर यूसुफ भाई के पास आना चाहते हैं, डेरा गाजी खान मुंद्रा को फरम पर मेरे भाई आप आना चाहते हैं, 300 रुपये इनाम लूँगा फीचर का, उसमें मेरी हर तरह की जवाबदारी जिम्मेवारी गारंटी भी होगी जानवरों की। मैं ज़्यादातर ना गाँव के लोगों से जानवर लेके देता हूँ, गाँव के लोगों से मकसद ये जानवर थोड़ा वारे कर मुनासिब मिल जाता है। बाकायदा मेरे भाई आप कमीशन को और जो दलाल है आपने उनसे होशियार रहना होगा मेरे भाई।
जो पूरे मंडी का मालिक बनाते हैं, हर जानवर का अपना मुंह सूरज बताते रहते हैं, बकायदा उनसे भी उशारे ना, वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं, वो आपको महंगी भी खरीदारी करवा सकते हैं। बकायदा मेरे भाई सारी बात आपको बाइक कैमरे से चला आपको डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। अच्छा मेरे भाई, मैंने पूरी मंडी का मेरे भाई मैंने आपको विजिट आपको आसानी से आपको कराना है। वीडियो मुकम्मल देखते रहें, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल आपको मालूम आपको तफसील से एक एक बात आपको समझाऊंगा, ताकि मेरे दोस्तों को मेरे भाइयों को सही तरह से एक मंडी की रूटीन का पता चल सके, मंडी के हालात का पता चले, मंडी आपको कैसे लगती है, मंडी आपको महंगी लग रही है या सस्ती लग रही है। देखिए मैंने आपको पहले बताया, मंडी में मेरा एक जानवर भी नहीं है, लेना देना नसीब मुकद्दर की बात होती है। मैं सिर्फ आपको यहाँ से रेट आपको कंफर्म करने लगा हूँ। मेरे भी नंबर मेरे मौजूद है, आप इन नंबर पर कॉल रब्ता करें, यूसुफ भाई के पास है, इन सर तुम्हारी सोच से तुम्हें ज़्यादा इज्जत और मिलेगी। ये भाई के पास सबसे पहले ना तीन भेड़े माशाल्लाह खड़ी हुई हैं, तीन भेड़े माशाल्लाह भाई की दिखाते हैं, घास दरख्त में पीछे करें, और तीनों भेड़े मेरे भी आपने देखनी होगी, और भाई से रेट वगैरह लेंगे इनका, तीनों का क्या रेट करता है, ये प्रेग्नेंट हैं खाली हैं, जो भी सूरत हाल है ना ये भाई से पूछेंगे, जो वो कहेगा ना उसके मुताबिक मैं आगे आपको सारी बात आपको बता सकता हूँ। भैया ने ये मंडी आई की कहाँ की है? बुद्ध का दिन है, डेरा गाजी खान की मंडी है। आप तीन भेड़े दिखा रही हैं, प्रेग्नेंट है खाली है? प्रेग्नेंट है। कितना टाइम की? कितना टाइम की? अच्छा, दो कितने महीने के हैं? दो चार महीने के गब्बन है, और ये वाले जो जिसके ऊपर कलर लगा हुआ है इसका कोई कंफर्म नहीं है, मुंह से खीरी बता रहा है, और वो वाली जो पीछे जो खड़े ना वो चार महीने की प्रेग्नेंट है। क्या डिमांड है देने के? नहीं, हाँ जी 21,000 के हिसाब से डिमांड खुद चेक कर लें मेरे पे, ये तीन भेड़े मिलने के 21,000 के हिसाब से आपके सामने है। अगर आप दोस्त लेना चाहते हैं ना, ये आप ओरिजिनल रेट चेक करें, ये आपको ओरिजिनल रेट आपको मिल चुके हैं, उससे हट के बकायदा भी मैंने आपको और भेड़े भी आपको दिखानी है। मेरे भाई वीडियो मुकम्मल देखते रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे ना, सारी मालूम आपको तफसीलें डिटेल के साथ आपको मिलेगी आपके सामने है। अगर लाट के हिसाब से रेट लेंगे ना उसमें ज़्यादा मुनासिब मिलता है, ज़्यादा रेट उसी से मुनासिब मिलता है जिसका ज़ाती अपना माल हो, गाँव के लोग जो लेके आते ना उससे ज़्यादा मुनासिब सस्ता माल मिलता है। ये भी माशाल्लाह एक अच्छी लाट है, अलहमदिल्ला खड़ी हुई, इस लाट के भी कंफर्म और करते हैं प्राइस पूछते हैं इस लाट की क्या डिमांड करता है, आप भेड़ों के हमाना भी चेक कर लें। ये तो भाई से पूछेंगे गब्बा ने क्या सूरत हाल है, ये इंशाल्लाह सारी मालूम आपको खुद भाइयों से पूछ के इंशाल्लाह आपको बताएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ कुछ नहीं आपको कह सकता। और भाई से रह लेते हैं और इनकी क्या डिमांड करता है और भेड़ें कितनी हैं, बच्चा भी नज़र आ रहा है, एक बात इंशाल्लाह पूछ के बताते हैं। कितनी भेड़े हैं यार? 10 भेड़े हैं, एक बच्चे वाली है। अच्छा, और के नीचे बच्चा जो है ना फीमेल है, मेल है? नर है मादी है? नर है। क्या डिमांड कर रहे हैं इन भेड़ों की सारों की? देने कितने के? मांगने को छोड़ जाते हैं, यूसुफ भैया पहले रह जाए, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। भैया देखें आपके सामने लाट है ना, ये लाट के हिसाब से रेट मुनासिब हो जाता है। जो मेरा दोस्त मेरा भाई आएगा उसके लिए मजीद कमी पेशी करेंगे। खास मेहमान थे, प्यार मोहब्बत वाला बंदा। हाँ, 2,000 और भी छोड़ देंगे, 28,000 के हिसाब से। खास मेहमान, खास मेरा मेहमान होगा। साफ बात है, जो इतना दूर से आते हैं मेरे सब खास और मेहमान मेरे दोस्त और मेरे भाई है। ये गब्बन है, फंडर है। कितने टाइम की बाकायदा? ये हमारा देख रहे हैं, ये तैयार है, ठीक है। ये देखें, ये ओरिजिनल रेट मैंने आपको बता दिया, ये डेरा गाजी खान के। हाँ जी, मैं अच्छा सही है, सही बात है, कह रहे हैं यूसुफ भाई हम आप दूसरों से रेट मांग रहे हैं 40,000, आपसे रेट मांगे 28,000, क्योंकि आपकी वजह से हमारा जानवर ज्यादा सेल होता है और इसलिए हम आपको रेट मुनासिब देते हैं। मेरे भी बहुत लोग हैं जो कमीशन कर रहे हैं, आप उससे उछर ना जो आपको डिमांड वगैरह ज़्यादा आपको कर देते हैं बता देते हैं। अच्छा, उससे हट के बकायदा आप ये लाट भी मेरे भी आपने देखनी होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, मेरा एक भी जानवर मंडी पर नहीं खड़ा हुआ, ये ना मेरे जानवर हैं। मेरे कहने का मतलब ये रेट मैंने आपको कंफर्म कराने हैं मेरे भाई, आपको दिखाने हैं मेरे भाई,
आपने कहा फार्मिंग करना है, यूसुफ भाई से रब्ता करें, इंशाल्लाह तुम्हारी सोच से ज़्यादा तुम्हें एक अच्छे जानवर, एक मुनासिब आपको जानवर आपको मिलेगा। ये भेड़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये माशाल्लाह अच्छी नस्ल की भेड़ें और बड़ी भेड़ें माशाल्लाह मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये भेड़ें चाहिए आप रब्ता करके ना मेरे भाई, इंशाल्लाह मुनासिब रेट में, मकूल मुनासिब रेट में आप ले सकें। बात मेरे भाई छोटे और बड़े की नहीं होती, बात एक नस्ल क्वालिटी होती है। जानवर जितना ज़्यादा अच्छा होता है ना उसका रेट थोड़ा उतना ज़्यादा ही होता है। इनकी भी डिमांड वगैरह लेते हैं, इनके पास कितनी भेड़े क्या डिमांड करते हैं, प्रेग्नेंट हैं, फंडर हैं, जो है ना वो भाई खुद ही अपने मुंह से बताएगा। उनकी चीज़ें मैं अपने तरफ कुछ भी नहीं आपको बता सकता। अस्सलाम वालेकुम अनीब भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अनीब भाई, अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह अनीब भाई, जब भी मैंने आपके जानवर की उजड़ गई, आपके जानवर बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या जाती है आपके, अपने होते हैं जो आप किसी से लेके आप यहाँ पे आते हैं? अच्छा, आपके जाती जानवर है। अच्छा ठीक है, कितने जानवर है? छह जानवर है। छह जानवर अनीब भाई, ये पहले सुबह में दूसरे सुबह में है? अच्छा पाँच दूसरा सुबह में, ठीक है। क्या डिमांड करें इनकी? देने के लिए मांगने छोड़ दो, फाइनल काले चाले। अगर कोई मेरा दोस्त या मेरा भाई अगर इतना दूर से आए तो फिर हो जाएगी कोई प्यार मोहब्बत? अच्छा तो गाल करे जितनी सामान थी इंशाल्लाह 2000 छोड़ दे। अच्छा जो गब्बर की गारंटी होगी? आपके सामने नकोड़े, आप इनका फेस खुद चेक कर रहे हैं मेरे भाई। आपने अगर ऐसी भेड़े लेनी है ना, आप यूसुफ भाई से रब्ता करें, इंशाल्लाह ऐसी भेड़े आपको जितना चाहिए आपको इंतहाई मकूल मुनासिब आपको मिलेंगी। बकायदा आपको मेरे भाई मैंने पहले भी बताया, थोड़े ना व्यापारियों के रेट तेज होते हैं, गाँव के लोगों के रेट मुनासिब है। आपके सामने आप आए वही भेड़े में आपको मुनासिब रेट में लेकर करा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने सफ़ा सुथरा किया हुआ है, इसलिए वो थोड़े डिमांड वगैरह ना ज़्यादा करते हैं। आपको मैंने पहले बताया मेरे भी मेली कचेरी भेड़े खड़ लें वो बेहतरी होती हैं, क्योंकि आपके सामने ये भी भेड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ और इनके भाई लोग क्या डिमांड करते हैं। भेड़े भी आप देख रहे होगी आपके सामने नकोड़े, आप इनके देख लें। जिस जानवर का ज़्यादा नकोड़ा खूबसूरत होगा, नकोड़ा गुलाई में होगा ना, उसकी डिमांड जितना ज़्यादा ही होती है और अच्छा जानवर होता है वो। क्या डिमांड है भाईजान देने के? नहीं गए 25-25 हज़ार के। फंडर हैं गब्बान है या फंडर हैं? अच्छा प्रेग्नेंट हैं। फाइनल कितने के? फाइनल 25 हज़ार। आपके सामने मालिक बता रहे हैं फाइनल 25 हज़ार, मालिक अपने मुंह से खुद डिमांड कर रहे हैं। आप आए यूसुफ भाई के साथ रब्ता करके इंशाल्लाह जितने भेड़े चाहिए आपको मिल जाएंगे। नंबर मौजूद हैं, आप इस नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सअप करें, आप आ जाएं। इंशाल्लाह आपकी सोच से ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा मुनासिब मुबारक है, इंशाल्लाह आपको जानवर आपको मिल जाएगा। आज की जो ये थी बुद्ध की मंडी है, डेरा गाजी खान की मंडी है। आज 4 तारीख है मेरे भाई और 12वां महीना 2024। न्यू अपडेट इंशाल्लाह आपको मिलने लगे इंशाल्लाह। ठीक है मेरे दोस्त, आप हमें देखिए इजाज़त। नेक्स्ट जो मैं इंशाल्लाह अपने भाइयों को दोस्तों को बहुत इंशाल्लाह मेरे भी जल्द ही आपको मिलेंगे।